गाइस, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आया फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां मंडप पे आ गई है दो दो दुल्हन और दूल्हा है एक। लेकिन गाइस, सबसे शॉकिंग बात तो तब हो जाती है जब इन दोनों दुल्हनों में से लक्ष्मी नहीं है। तो आखिर कौन है ये दो दुल्हनों के पीछे? और गाइस, भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहें। तो एक तरफ गाइज, जहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऋषि अपने मन की भड़ास नीलम पर निकाल देते हैं और नीलम को ये ऋषि की बातें दिल पे भी लग जाती है, और वहीं एक तरफ आप देखेंगे गाइज कि आयुष ऋषि को समझा रहे होते हैं कि लक्ष्मी से आपने शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, अभी आप ऐसे गिवअप कैसे कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे गाइस कि मलिष्का भी गेम खेल रही होती है, जहां मलिष्का ऋषि से कहती है कि लक्ष्मी को निकाल के फेंक दो ना, भूल जाओ ना उसे। फिर ऋषि बोलते हैं, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता हूँ मलिष्का, नहीं भूल सकता। ऋषि ये सारी बातें बहुत लाउड टोन में बोलते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि सीरियल में कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो लगातार ऋषि और मलिष्का की शादी कराने के फिराक में बैठे हुए हैं। लेकिन गाइस, अब भाग्य लक्ष्मी के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि इन सबकी बोलती बंद हो चुकी है। जहां एक तरफ मलिष्का की पोल सबके सामने खुल गई है और उसको मिली है उसके कर्मों की सजा, वहीं दूसरी तरफ बलविंदर को भी अपने किए का फल मिला है और ऋषि और लक्ष्मी ने कर ली है शादी। एक बार फिर से ऋषि और लक्ष्मी ने एक दूसरे के साथ जीने की कसमें खाई है। तो गाइज, एक बार फिर प्यार की हो गई है जीत। भाग्य लक्ष्मी की हर छोटी से छोटी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसे ही अपडेटेड रहें। धन्यवाद गाइज।